एंड सर्वलेट सीरीज। और पिछले सेशन में हमने MySQL में डेटाबेस क्रिएट किया था। आज हम क्या करेंगे, आज हम एक प्रोजेक्ट हमने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है उसमें हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर आईडी इंसर्ट करने पे उसके करस्पॉन्डिंग या उसके रेस्पेक्ट में जो भी नेम होगा उसको व्यू करवाएंगे या उसको शो करवाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्म क्रिएट करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, एडिट टेक्स्ट लेंगे या टेक्स्ट बॉक्स लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, अपनी आईडी को इंसर्ट करेंगे। देन उस बटन के क्लिक पे हम क्या करेंगे, उसके रेस्पेक्ट में या करस्पॉन्डिंग में जो भी नेम होगा उसे व्यू करवाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम एक फॉर्म लेंगे, फॉर्म, और इसमें हम जो एक्शन लेंगे वो हम लेंगे यहाँ पर ऐड। यहाँ पर हम ले लेते ऐड सर्वलेट। ये हमारी क्या है, एक रिक्वेस्ट है जिसे हम कॉल करेंगे अपनी सबमिट बटन पर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, यहाँ पर इनपुट टाइप, और यहाँ पर हम टाइप लेंगे इसका, और टाइप हमारा इसका होगा टेक्स्ट। देन हम इसका नेम लेंगे, नेम यहाँ पर हम लेते हैं आईडी। देन मैं क्या करता हूँ, मैं br टैग ले लेता हूँ, अगेन एक br टैग ले लेता हूँ थोड़ा स्पेस के लिए। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप लेंगे, और इनपुट यहाँ इसके नीचे हम एक बटन लेंगे। तो इसके लिए हम क्या टाइप क्या लेंगे, हमारा टाइप सबमिट, सबमिट, और देन हम इसमें वैल्यू भी स्पेसिफाई कर सकते हैं या नेम भी हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम नेम देंगे वैल्यू के थ्रू, वैल्यू, और यहाँ पर मैं दूंगा सर्च। अगेन हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करके चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इसमें प्लेस होल्डर भी मेंशन कर देता हूँ ताकि हम यूज़र को हिंट दे सके कि यहाँ पर आपको इंटर आईडी मींस आपको यहाँ पर क्या करनी है, यूज़र की या स्टूडेंट की आईडी पुटअप करनी है, यहाँ पर इंटर आईडी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जेएसपी पेज क्रिएट, सॉरी सर्वलेट पेज क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, पैकेज लेंगे, पैकेज के अंदर सारी जितनी भी हमारी जावा क्लासेस है या फिर हमारी सर्वलेट क्लासेस है उनको हम क्या करेंगे, उस फाइल के अंदर पुटअप करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना, अपने मेन पे आना, राइट क्लिक करना है, देन यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करना है। यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जावा। अब हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर न्यू, और यहाँ पर हम एक सर्वलेट पेज क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर हम स्पेसिफाई करेंगे अपने पैकेज का नेम। देन यहाँ पर हम लेंगे एड सर्वलेट। देन मैं क्या करूँगा, इसमें नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पर हम अपनी रिक्वेस्ट स्पेसिफाई करेंगे। आप मैंने सेम रिक्वेस्ट रखी, आप अगर कोई दूसरी रिक्वेस्ट रखते हैं तो आप यहाँ से एडिट करके चेंज कर सकते हैं रिक्वेस्ट का नेम। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट, और इसमें हम फिलहाल इसमें गेट मेथड ही लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको, हमने यहाँ पर इसमें गेट मेथड रखी। अब वहाँ पर हमने जो हमारी डिप्लॉय डिस्क्रिप्टर फाइल में हमने यूज़ किया था कि किस रिक्वेस्ट के लिए कौन सा सर्वलेट अलोकेट होगा या किस सर्वलेट के कौन सी रिक्वेस्ट को कौन सा सर्वलेट हैंडल करेगा। देन फिर हमने देखा था एनोटेशन, उसके थ्रू हमने, अब यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर हमारी जो फाइल होती है, यहाँ पर भी जो हमारी होती है वेब डॉट एक्सएमएल फाइल, इसी में मेंशन होगा किस रिक्वेस्ट के लिए हमारा कौन सा सर्वलेट अलोकेट होगा। तो ये आप इस फाइल में देख सकते हैं, ये हमारा पैकेज जो है कॉम डॉट डेमो, इसके अंदर हमारा जो सर्वलेट है ऐड सर्वलेट, और उसके लिए हमारे जो ऐड सर्वलेट रिक्वेस्ट के लिए हमारे पास ऐड सर्वलेट सर्वलेट अलोकेट हुआ है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब फिलहाल यहाँ पर हम इसमें से जो अननेसेसरी चीज़ें उन्हें हटा रिमूव कर देते हैं,
यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी आईडी उसे एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे इंटीजर आईडी इक्वल्स टू इंटीजर इंटीजर डॉट पार्स इंट, और यहाँ पर हम लेंगे अपनी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, यहाँ पर हम लेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, देन इसके अंदर हम अपनी आईडी स्पेसिफाई करेंगे आईडी, पार्स इंट, सॉरी यहाँ पर क्या हुआ, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो वैल्यू ले रहे हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, नई क्लास क्रिएट करेंगे, और उस नई क्लास में हम क्या करेंगे, अपने जो भी वेरिएबल है उन्हें डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नई क्लास जनरेट करेंगे, न्यू क्लास, और इस क्लास का हम नाम रखते हैं ऐड। देन यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस क्लास के अंदर दो वेरिएबल लेते हैं, एक होगा हमारा इंटीजर आईडी और दूसरा क्या होगा हमारा स्ट्रिंग नेम। तो यहाँ पर हम दोनों को ले लेते हैं स्ट्रिंग नेम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके लिए बीन्स ले लेते हैं, बीन्स जो हमारी है गेटर और सेटर में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करना है, सोर्स देन गेटर एंड सेटर मेथड। तो यहाँ पर मैं दोनों के लिए ले लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। देन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टू स्ट्रिंग मेथड भी ले लेते हैं। तो क्या करेगा, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो कन्वर्ट होगा हमारी स्ट्रिंग मेथड में। तो यहाँ पर हम टू स्ट्रिंग, इसके लिए आपको क्या करना, सोर्स देन जनरेट टू स्ट्रिंग, और ये हमारे क्या है, टू स्ट्रिंग मेथड जनरेट हो गई। आज अभी हम क्या करते हैं, फिलहाल इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, हम जब भी हम कोई हमारा डेटाबेस क्रिएट करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सेपरेट लेयर बनाते हैं जो डेटाबेस और हमारा सर्वलेट के बीच में, तो वो होती है हमारी डाव लेयर। तो नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, हम एक डाव लेयर क्रिएट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।